शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा भाजपा सरकार पर दिए बयान को लेकर जोरदार हमला बोला। दिलावर ने कहा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज करने को चली है, भ्रष्टाचारी हमें सिखा रहे हैं कि कैसे काम करना है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा जी माननीय भजन लाल जी शर्मा की सरकार के मंत्रियों के लिए कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार में जीरो है, जीरो परफॉर्मेंस है। हाँ, ये सच कर रहे हैं। भारतीय पार्टी के मंत्री भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकते। भ्रष्टाचार करने का तो प्रशिक्षण इन्होंने ही लिया हुआ था, कांग्रेस को ने, इन्होंने बहुत लूटा है। उन्होंने तो 70 लाख विद्यार्थियों को, आसार्थियों को लूटा है, जिनके पेपर निकाल करके इन्होंने बेच दिए, करोड़ रुपये कमाए हैं। अब चिंता ये सता रही है कि उन करोड़ रुपये को कहाँ रखें, क्योंकि SOG की और अन्य जो भी जांच एजेंसी है उनकी सुई घूम रही है। पर चिंता मत करो आप, अशोक गहलोत साहब और गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, आप शीघ्र ही तिहाड़ जेल जाने वाले हैं, जहां केजरीवाल से मिलना, बात करना और वहां कहना कि राजस्थान में हम इतने कुकर्म करके आए हैं, अब भारतीय पार्टी परेशान हो रही है क्योंकि हम पानी में पैसा खा गए, जलजीवन में पैसा खा गए, बिजली में पैसा खा गए, अब भारतीय पार्टी परेशान हो रही है। पर चिंता मत करो, हम परेशान नहीं होंगे। राजस्थान की जनता को हम समय पर पानी उपलब्ध कराने की पूरी तैयारियां हमने कर ली है, बिजली से भी निजात दिलाएंगे, पर आपने जो कुकर्म किया उसके कारण से कुछ संकट जनता के सामने हो रहा है। दिलावर ने यह भी कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा और उनकी कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की जनता सिरे से नकार चुकी है। 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणामों में भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए डोटासरा कुछ भी ऊटपटांग बोलकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। वे चाहे कुछ भी कर ले, पर अब प्रदेश में कांग्रेस की वापसी नहीं होगी, जनता कांग्रेस को भूल चुकी है। देश प्रदेश की इस तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए महानगर टाइम्स के साथ।